तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको ऑलमोस्ट सबके काम आएगी, सबको इंतज़ार था, पैसिव इन्वेस्टिंग। मैंने अपने इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग वाले वीडियो में बता दिया था कि देर आर टू मोड्स ऑफ इन्वेस्टिंग, एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इन्वेस्टिंग। तो आज हम मेनली हमारा डिस्कशन इस बात पर रहेगा, आज और कुछ और आने वाली वीडियोज़ में, कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट विदाउट एनी बडीज हेल्प, विदाउट एनी वंस हेल्प, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाले हैं। तो मोड आपका क्या होता है? आप निफ्टी 50, सेंसेक्स, इनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी ये क्या है इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं ये, इंडेक्सेस होते हैं बेसिकली, वो डिस्कस करते हैं। फिर दे आर म्यूचुअल फंड्स, उसमें म्यूचुअल फंड में भी दो तरह के फंड हुए, इंडेक्स फंड हो गया एक और नॉन इंडेक्स फंड बोलता हूँ दूसरे को मैं। और ये निफ्टी और इनमें इन्वेस्ट करने का जो मोड होता है उसके भी, एक्चुअली इन्वेस्ट इसमें करने के दो मोड हैं, एक इंडेक्स फंड हुआ, एक नॉन इंडेक्स फंड है म्यूचुअल फंड्स में। और इसमें इन्वेस्ट करने का एक और मोड होता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं, है ना। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज जस्ट लाइक अ स्टॉक विच इज बीइंग ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अगला पेज चलता है। अभी जो है सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी कि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट अ प्लेस विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर दिस ट्रेड्स टू ऑकर, और ट्रेड्स टू ऑकर, राइट। और ये ट्रेड्स कैसे ऑकर होती हैं? हाँ तो गाइज, हम क्या बोल रहे थे कि ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज। और ये ट्रेड कैसे फैसिलिटेट होती है, इसके बीच में ब्रोकर वगैरह कैसे काम करता है, ट्रेड कैसे होती है, ये हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करते हैं, अभी के लिए काफ़ी है। तो अब हम चलते हैं सीधा कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका निफ्टी 50, निफ्टी 50। तो इसको समझने के लिए NSE की वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा उससे। NSE की साइट पे गए हम, तो NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट में हम जाएंगे लाइव मार्केट में इक्विटी स्टॉक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 डाल रखा है। तो निफ्टी 50 के अंदर आप देख सकते हैं 50 कंपनी आ रखी हैं। तो इन 50 कंपनियों को लेने का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो एक तो इम्पैक्ट कॉस्ट होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी। उसके अलावा मेनली यही है कि इसमें जो भी मेन मेन कंपनियाँ होती हैं जिनका यूजर बेस अच्छा होता है, जिनका प्रॉफिट अच्छे होते हैं, जो बड़ी कंपनी होती है ना, तो उन्हीं को लेते हैं इनमें। तो टेक्निकलिटीज पे ज़्यादा ना जाते हुए, क्योंकि उसकी अपने को इतनी ज़रूरत नहीं है, बस अपने को ये पता है कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाली जो बेस्ट कंपनियाँ होती हैं उनको टॉप 50 कंपनीज को निफ्टी के अंदर ले जाते हैं। जैसे कि आप नाम ले सकते हैं, आप बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, ICICI, मारुति, BPCL, एक्सिस बैंक, ये सब नाम आपके सुने हुए होंगे, है ना, विप्रो, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यही है। तो फिर अब ऐसा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये 50 कंपनी जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में इसमें हर एक कंपनी का जो वेटेज है वो ऐसा नहीं है कि 2-2% हो, कि हर एक कंपनी का सेम वेटेज हो, ऐसा नहीं है। हर कंपनी का वेटेज अलग अलग है। तो बेसिकली निफ्टी 50 क्या है, इट इज़ अ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, जिनको नहीं पता वेटेड एवरेज, उसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 50 स्टॉक्स हैं, है ना, तो पहले स्टॉक का कुछ 3% वेटेज है मान लेते हैं, दूसरे स्टॉक का 1% वेटेज है, तीसरे स्टॉक का 4% है, इसका चौथे स्टॉक का 1.5% है। तो ऐसे करके दिस इज व्हाट वी मीन बाय निफ्टी 50, है। और जो मैथमेटिक्स वाले उनके लिए मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग में लिखता हूँ, W1 इंटू प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टॉक प्लस W2 इंटू प्राइस ऑफ सेकेंड स्टॉक, ऐसे करके प्लस W
इंटू प्राइस ऑफ 50 स्टॉक अपॉन 50। तो ये आपका निफ्टी 50 का एक स्टेटिस्टिकल मेजर हो गया, और ये आपको बताएगा कि मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि इसमें बेस्ट कंपनीज हमने इंक्लूड करी हैं, टॉप कंपनीज जो हैं, टॉप 50 कंपनीज ऑफ NSE, राइट। और सबसे खास बात इस निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 की खास बात और इन इंडेक्स की खास बात ये है कि इंडेक्सेस स्टैटिक नहीं होते, ये डायनामिक होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं समय के साथ। मतलब अगर इस समय कोई कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर हो रही है, तो फिर वो बाहर चली जाती है कंपनी और दूसरी कंपनी आ जाती है। तो इसलिए इसमें हर समय टॉप 50 कंपनीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से रहती हैं, वही रहती है निफ्टी 50 के अंदर। तो एक तरह से अगर मैं निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि मैं एक तरह से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि अगर मार्केट की वैल्यू इंक्रीज होगी, मार्केट मार्केट मतलब आगे आगे बढ़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा और लोगों को भरोसा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। और मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर निफ्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी, और निफ्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपने जो पैसा डाल रखा है निफ्टी के अंदर वो ऊपर जाएगा। बेसिकली निफ्टी के अंदर डाल रखा है मतलब आपने जो स्टॉक्स निफ्टी के अंदर है उन स्टॉक्स में अपना पैसा डाल रखा है, उस वेटेज में, जिस वेटेज में वो स्टॉक्स निफ्टी के अंदर है, समझ रहे हैं। तो अभी निफ्टी में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, इंडेक्स फंड और ETF। तो आगे आने वाली दो वीडियोस इनके ऊपर रहेंगी, फिर इसमें थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे दोनों में हम। और सेंसेक्स की बात करूँ अगर मैं, तो जैसे सेंसेक्स की बात करी जाए, तो जैसे निफ्टी 50 है आपका NSE के लिए, वैसे ही सेंसेक्स है BSE के लिए। बस सेंसेक्स में क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज का वेटेड एवरेज है, सिमिलर चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। तो आप और अगर आप जानना चाहते हैं तो और इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, अगले वीडियो में हम लौटते हैं और फटाफट से मैं आता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं अपन कि इंडेक्स फंड क्या है, उसमें कैसे